जला देते हैं, तड़प तड़प कर मरेगा। हम नहीं कर पाएंगे ये सब, और कोई चारा भी नहीं है, ये तो करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, हमें मत मारो, हमें छोड़ दो। पर इसकी लाश मिलना भी तो जरूरी है ना। नहीं हम, तुम ये सब सोचना छोड़ो, हमारा साथ दो। नहीं। नमस्कार, सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आप सबका स्वागत करती हूँ। कितनी अजीब बात है कि दो औरतें एक आदमी की जिंदगी और मौत का फैसला कर रही थी और उसके बारे में बहस कर रही थी। क्या कसूर था इस आदमी का और कौन थी ये दोनों औरतें? क्यों एक उसे मारना चाहती थी और दूसरी रोक रही थी? आखिर ऐसा क्या किया था उस आदमी ने जो ये दोनों औरतें उसकी जान लेने पर आमादा थी? हत्यारे अक्सर मारने के बाद डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की सोचते हैं, पर इन दोनों को उसकी बॉडी भी चाहिए थी, लेकिन क्यों? इस राज पर से पर्दा उठाने के लिए हमें 2 साल पीछे जाना होगा। कहाँ रह गई ये? अभी तक आई क्यों नहीं? ये मच्छर। इतनी देर काहे हो गई? वो बाबूजी जाग रहे थे। तुम्हारे बाबूजी ना सिर्फ नाम के सज्जन है, सज्जन सिंह, काम से ना तो वो बिल्कुल दुर्जन है, दुर्जन। हरविंदर, हमारे बाबूजी हैं वो। अच्छा अच्छा ठीक, लेकिन कल देरी मत करना, केवल एक बस है सुबह में, और अगर वो छूट गई ना तो फिर। और हाँ, ध्यान रखना कि किसी को कुछ पता ना चले, वरना बहुत मुसीबत हो जाएगी। क्यों, डर तो नहीं लग रहा है ना? बाऊजी, अम्मा, हम चलते हैं। माँ बाप से मिलने के लिए भी मेहमान बन के आता है। अरे अम्मा, इस बार जल्दी आएंगे और लंबे समय के लिए रहेंगे। बातें करता है बस। अरे अम्मा सच्ची। अच्छा अम्मा, हम चलते हैं वरना हमारी बस छूट जाएगी। हमेशा ही तेरी बस छूटती है। प्रणाम बाऊजी। खुश रहो बेटा। प्रणाम अम्मा। खुश रहे बेटा, खुश रहे। चलते हैं। चलो भाई कानपुर आ जाओ, आ जाओ। अरे भैया जगह है। जगह है भैया, आ जाओ, चलो कानपुर, आ जाओ कानपुर, कानपुर चलो, कानपुर कानपुर, बड़ा बड़ा भैया बड़ा। अब घूंघट उतार लूं? अभी नहीं, यहां से उतर जाए फिर। जाने से पहले हमने यह मकान किराए पे लिया था, थोड़ा छोटा है। कोई बात नहीं हरू। आओ रजनी। जानते हैं कि तुमको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन शहर में मकान बहुत महंगे मिलते हैं। एक बार हमारे बीमा करने का काम बढ़ जाए फिर मकान भी बड़ा ले लेंगे। और वैसे भी 2 लोगों को कितनी जगह चाहिए रहने के लिए? हाँ बोलो। हरविंदर, घर के छोटे बड़े होने की कोई बात ही नहीं है। अब देखो ना, हम तो सारी लाज लज्जा छोड़कर यहाँ तुम्हारे साथ भाग कर आ गए हैं। बस हम ये चाहते हैं कि तुम कभी हमें छोड़ के ना जाओ। अगर छोड़ना ही होता
तो अपने साथ क्यों लाती? तुम हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करोगी ना? इससे भी ज्यादा। अब आ जाओ। हमारे साथ रहने के लिए तो समय ही नहीं है आपके पास। कभी इधर तो कभी उधर, कभी इस शहर तो कभी उस शहर। 2 दिन घर में रहते हो और 4 दिन बाहर। इस बार कितने दिन बाद वापस आओगे? ये क्या है? वो खाने के लिए कुछ बना दिया, पता नहीं बाहर कैसा मिलेगा। अरे मेरा मतलब था, ये टिफिन कहाँ से ले आई तुम? अच्छा ये, वो पड़ोस वाली पायल भाभी है ना, उनके साथ बाजार गई थी। अच्छा लगा तो ले आई। और ये देखो ना, इसमें आपके नाम का एच भी बना हुआ है। वैसे बताइए ना, कितने दिन बाद वापस आएंगे? तुम्हें क्या लगता है कि तुमसे दूर रहकर हमें अच्छा लगता है? लेकिन क्या करें, बीमा एजेंट की नौकरी ऐसी, इधर उधर घूमना पड़ता है। लेकिन तुम परेशान मत हो, हम जल्दी लौट आएंगे और तुम्हें खबर करते रहेंगे। अब तो आ जाओ। बेटा तेरे लिए कम तो नहीं पड़ेगा ना, शहर में कितना खर्चा रहता है। अरे अम्मा उसकी चिंता आप मत करो, सब हो जाएगा, आप बस इसे रखो। सपूत है तुम्हारा बेटा, एक दिन कुल का नाम रोशन करेगा। तो कुल को आगे बढ़ाने के लिए बोलो ना इसे। क्या मतलब? बेटा मैं तेरी शादी की बात कर रही हूँ। अरे अम्मा शादी हो जाएगी, इतनी जल्दी क्या है, समझा करो। पड़ोस के गांव से खजान सिंह के यहाँ से शादी का रिश्ता आया है, बात आगे बढ़ाऊं? अरे बाऊजी आप अम्मा को समझाइए ना। अरे अम्मा एक बार हमारा प्रमोशन हो जाए तो हम पक्का शादी कर लेंगे। हरमिंदर भैया, हरमिंदर भैया, आपको सज्जन काका ने बुलाया है। ठीक है तू चल, हम आते हैं। अब कुसुम का रिश्ता होना मुश्किल ही समझो। अब इस तरह बड़ी बेटी रजनी का घर से भाग जाने के बाद कौन कुसुम का हाथ थामेगा? बेटा रजनी के तो वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जिस किसी के पास हम कुसुम का रिश्ता लेके पहुंचे वहां से निराशा ही हाथ लगी। तुम तो समझ सकते हो बेटा गांव के इस माहौल को। लेकिन सर्वनाश हो सा जिसने मेरी बेटी का बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। अगर वो मेरे हाथ लग गया ना तो जान से मार दूंगा मैं उसे, फिर भले ही मुझे फांसी क्यों ना हो जाए। सारे गांव में थू थू हो रही है, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया मैं, जीना मुश्किल हो गया है। चाचा जी जो हो गया सो हो गया, और आप लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, कुछ दिन बाद वो अपने आप चुप हो जाएंगे। पर मैं कहता हूं बेटा, बड़ी बेटी रजनी के कुकर्म की सजा छोटी बेटी कुसुम को ना मिले, इसलिए बेटा तुमसे एक प्रार्थना है। हाँ चाचा जी बताइए ना। बेटा कुसुम का अब गांव में आगे पढ़ना बहुत मुश्किल है, तुम्हें पता है पहले नंबरों से पास हुई थी ये इंटर में, पर अगर यहां रही तो सब बर्बाद हो जाएगा। तुम तो बेटा शहर में रहते हो ना, तो मैं सोच रहा था वही शहर में अगर तुम इसका किसी कॉलेज में दाखिला करा देते और वही कोई हॉस्टल दिखा देते तो बेटा बहुत अच्छा रहता, कम से कम ये BA तो पास कर लेती। तुम तो समझ सकते हो बेटा, तुम तो इसके बड़े भाई जैसे हो। लेकिन चाचा जी मैं कैसे? ना बेटा ना, मना ना करना बेटा, इस गांव में मुझे तुम पर ही भरोसा है। ठीक है चाचा जी, जैसी आपकी आज्ञा।
सज्जन सिंह ने हरविंदर पर भरोसा करके अपनी छोटी बेटी कुसुम की सारी जिम्मेदारी सौंप दी थी और हरविंदर भी उनकी सौंपी गई जिम्मेदारी पर खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहा था। पर कुसुम के पिता सज्जन सिंह को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हरविंदर के दिल और दिमाग में कुसुम को लेकर क्या चल रहा है। देखो कुसुम, हॉस्टल में तो कोई भी जगह खाली नहीं है। अगर तुम चाहो तो हमारे घर रुक सकती। ठीक है। जाने लगे हैं तुम्हें कुसुम। क्या हुआ? अब और नहीं सहा जाता। प्यार करके भी अब दूरी बर्दाश्त नहीं होती हमसे। कुसुम, हम लोग शादी कर लेते हैं ना, या फिर कह दो कि हम पसंद नहीं है तुम्हें। घर वालों की चिंता तुम बिल्कुल भी मत करो, सब कुछ हम पर छोड़ दो, हम सब संभाल लेंगे। अरे वाह, कमरा तो बहुत अच्छे सजाया है। क्या हुआ? इससे शादी करनी पड़ेगी, कभी सोचा भी नहीं था। शादी के इतने बड़े दिन कोई भी साथ नहीं, ना माँ ना बाबूजी, कम से कम रजनी दीदी साथ होती तो। देखो कुछ, रजनी ने जो कुछ भी किया उसके बाद तुम्हारे बाबूजी प्रेम विवाह के लिए कभी राजी नहीं होते, और वो तो हमें तुम्हारे बड़े भाई जैसा समझते हैं। फिर हम उन्हें कैसे कहते कि हम तुमसे प्यार करते हैं और हम तुमसे शादी करना चाहते हैं? वो लोग ये बात नहीं समझेंगे। लेकिन तुम परेशान मत हो, वक्त आने पर हम खुद उन्हें समझा देंगे। बस तुम एक बात का ख्याल रखना, किसी को कुछ मत बताना। सबको यही लगना चाहिए कि तुम यहाँ पढ़ने आई हो और अपनी पढ़ाई पूरी कर रही, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ कुछ ऊंच नीच हो। अरे आज हमारी शादी का दिन है, और ऐसी खुशी के दिन को ऐसे उदास होकर खराब मत करो। अब ये हुई ना बात, चल आ जा। और अब हरविंदर की दोनों पत्नियां एक ही शहर में थी। बड़ी बहन रजनी ये नहीं जानती थी कि उसकी छोटी बहन कुसुम उसी शहर में थी और उसी के पति की दूसरी पत्नी बन चुकी है। और वहीं कुसुम भी रजनी के हालातों से नावाकिफ थी। शातिर हरविंदर ने दोनों बहनों को एक दूसरे की सौतन बना दिया था। वो काम के बहाने कभी एक तो कभी दूसरी से मिलने जाता था और लगातार दोनों को धोखा दे रहा था। वो आग से खेल रहा था। ऐसे लोग अक्सर भूल जाते हैं कि किसी के जज्बातों से खेलना अपने लिए मुसीबतों को बुलावा देना है।
लेकिन एक ही शहर में वो दो बहनों को कब तक अलग रख पाएगा? तब क्या होगा जब दोनों बहनों का सामना होगा और हरविंदर का सच और झूठ दोनों खुल जाएगा? और इस बात का एहसास उसे तब हुआ जब आखिरकार वो नौबत आ ही गई। कैसे हुआ ये सब? हमने तुमसे कहा था ना कि गोलियां खाती रहना, फिर तुम माँ कैसे बनने वाली? अरे सारी स्थिति तुम्हें अच्छे से पता है, उसके बावजूद तुम इस तरह की गलती कैसे कर सकती है? कैसे समझाएं तुम्हें, कैसे समझाएं तुम्हें कि अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए? किस भाषा में समझाएं कि हमारी छोटी सी बात तुम्हारी इस मोटी सी बुद्धि में घुस जाए? अरे मूर्ख, मरवाना चाहती हूँ हमें तो बता दो। ऐसी बातें कर रहे, अब आपके सिवा और कोई है ही नहीं हमारा। अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? अगर हम नहीं रहेंगे ना तो लखपति बन जाओगी तुम। किसी के सामने सहारा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम अपने नाम एक बड़ी बीमा पॉलिसी करा रखे हैं। ये देखो, देखो, इसके अनुसार पति के जाने के बाद उसकी सारी रकम पत्नी को मिल जाती है। अरे हम तुम्हारे लिए इतना कुछ सोचते हैं, लेकिन तुम देखो रश्मि, जब तक पैसों की समस्या है हम तब तक तुम्हें सबर करने के लिए कह रहे हैं। देखो रश्मि, जिम्मेदारियां उठाने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी तो कब तक आओगे? पता नहीं, खबर कर देंगे, लेकिन तुम वो काम मत भूलना। अरे कुसुम, इस बार का सफर तो बहुत थका देने वाला था। अरे आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, कुछ खाना है हमारे पास, आओ हमारे साथ, साथ बैठकर खाते हैं, आओ। रो, तुम भी खाओ। नहीं नहीं नहीं, आप खाइए। अरे खाओ ना। अरे वाह, ये खाना खाकर तो बिल्कुल घर के खाने की याद आ गई, पर ये आपके लिए किसने बनाया? अरे वो हमारा एक दोस्त है, उसकी पत्नी ने बनाया, काफी अच्छा खाना बनाती है वो, तुम्हें पसंद आया? अच्छा। फिर और खाओ। हेलो कुसुम बेटा, कैसी हो? बाऊजी प्रणाम। मैं ठीक हूँ, हॉस्टल में भी अच्छे से एडजस्ट हो गई, पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। आप और माँ कैसे हैं? बेटा मैं और तेरी माँ बिल्कुल ठीक हैं, तू बिल्कुल चिंता मत कर, ठीक है? तू पढ़ाई पे ध्यान दिया कर, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। बाऊजी मैं बाद में फोन करती हूँ। हेलो हेलो कुसुम बेटा। हेलो, ये लड़की भी ना हमेशा जल्दी में रहती है। महीने हो गए और तुम अब हमें बता रही हो? तुम्हें कैसे पता नहीं चला? नहीं पता चला तो नहीं पता चला। डॉक्टर ने क्या कहा? मना कर दिया। अभी हमारी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम बच्चा पाल सके। अरे तो मेरे पिताजी भिजवा रहे हैं ना खर्चे के लिए पैसे, उसी से पाल लेंगे हम बच्चे को। और मुझे समझ नहीं आता कि तुम अपने घर में बता क्यों नहीं देते हो कि हम दोनों ने शादी कर ली है। देखो मैं सब ठीक कर दूंगी, और कौन सा मैं रजनी दीदी की तरह भाग कर आई हूँ, बकायदा शादी की है तुमसे।
अरे पगली, तुम नहीं समझोगी। देखो अभी हमारा काम ठीक से चल नहीं रहा है, और अगर हमने सबको बता दिया ना तो तुम्हारे बाबूजी जो पैसे भिजवा रहे हैं वो भी भिजवाना बंद कर देंगे, और तो और हमें मार भी देंगे। देखो कुसुम, समझा करो, अभी हम इतना बड़ा खर्चा नहीं उठा सकते हैं। कुछ दिन तक हमारा साथ दो, हम सब ठीक कर देंगे। लेकिन कब तक? बस कुछ ही दिनों में, लेकिन फिलहाल तुम इस मुसीबत से छुटकारा पाने का सोचो। ठीक है, बस कुछ दिन और, लेकिन हमें जल्द से जल्द कोई ना कोई हल जरूर निकालना होगा। कुसुम और रजनी दोनों बहनें एक शातिर आदमी के जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी। इधर कुसुम के साथ हरविंदर हर वक्त एक नई चाल चल रहा था, तो उधर रजनी के साथ भी उसकी ज्यादतियां अचानक से बढ़ने लगी थी। मां बनने का पहला एहसास उसे अबॉर्शन कराने की इजाजत नहीं दे रहा था, लेकिन हरविंदर भी उसे मजबूर करने पर तुला हुआ था। इससे नहीं हुआ, हमारा पहला बच्चा है, मैं नहीं कर सकी। अरे मूर्खानंद, कितने बच्चे पालूंगा मैं? देखो अभी पहला है, फिर बोलोगी दूसरा है, बस ऐसे ही चलता रहेगा। जो कहा है उसे करो, और हमको सुनना नहीं चाहते। प्यार से समझाया तो समझ में नहीं आता तुम्हें? इस बच्चे को रहने दो, हाथ जोड़ते हैं आपके। ठीक है, तो फिर तुम कोई नौकरी ढूंढ लो, हमारे अकेले के बस का नहीं है इस बच्चे की जिम्मेदारी उठाना। हम क्या नौकरी करेंगे? कुछ भी करो, किसी के घर बर्तन मांजो या झाड़ू करो, लेकिन अगर तुम हमारा साथ नहीं दे सकते तो दफा हो जाओ हमारी जिंदगी से। कुसुम की तरह लड़ झगड़ के पढ़ाई की होती तो आज आप हमसे ऐसा नहीं बोलते। सब कुछ छोड़ के भाग कर आपके पास आ गई हूँ, कहाँ जाऊंगी मैं? कब पता होता तो उन्हीं से बात कर लेती। क्या करूं, अब कहाँ चली गई हो दीदी? मुसीबत में बहनें एक दूसरे का बड़ा सहारा होती है, और अपनी जरूरत पर रजनी और कुसुम दोनों को एक दूसरे की बहुत याद आ रही थी। पर एक ही शहर में होते हुए दोनों बहनें परेशान थी, और एक दूसरे से अनजान भी, क्योंकि हरविंदर ने खेल ही ऐसा खेला था। आखिरकार एक दिन हरविंदर दोनों को कुछ काम है बोलकर कहीं चला गया। इस दौरान दोनों को ही हरविंदर के बदलते व्यवहार की वजह से अपने अपने भविष्य की चिंता होने लगी। तो क्या दोनों बहनों का सच एक दूसरे के सामने आएगा, और क्या होगा जब दोनों बहनों का राज उनके सामने खुलेगा? आखिरकार एक दिन रजनी ने एक फैसला कर ही लिया। क्या था ये फैसला? हेलो, कौन? हेलो कुसुम, मैं रजनी। रजनी दीदी, आप कहाँ पे हो दीदी? आप कैसी हो दीदी? आप आपको ये नंबर कहाँ से मिला? दीदी आप ठीक तो हो ना? रजनी दीदी, कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? चला जा। दीदी आप कानपुर में ही थी, और पाऊजी ने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। शादी कर ली मैंने। दीदी ऐसे भागने की क्या जरूरत थी, और ऐसे किसके साथ चली आई आप? ध्यान रखना कि किसी को कुछ पता ना चले, वरना बहुत मुसीबत हो जाएगी। देख कुसुम, भागना मेरी खुशी नहीं बल्कि मेरी मजबूरी थी, बस इसके आगे और कुछ मत पूछना। दीदी वो मुझे भी आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल। पर वादा करो दीदी,
कि आप किसी को कुछ नहीं बताओगी? दीदी वो प्यार करने की भूल मुझसे भी हुई है और मैंने शादी भी कर ली, पर पावजी को कुछ नहीं बताया है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसे वक्त पे क्या करूं। पर अब तो चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। चल अच्छा है, तू आ गई है ना, अब मेरे बच्चे को मौसी के साथ खेलने का मौका तो मिलेगा। दीदी तुम भी? तुम भी का मतलब? जब तेरे जीजाजी चले जाते हैं ना काम पर, तो बड़ा अकेला महसूस करती हूँ। कानपुर इतना बड़ा शहर है, मुझे बहुत डर लगता है यहाँ के माहौल से। इसीलिए वो पड़ोस वाली भाभी है ना, पायल भाभी, उनके साथ चली जाती हूँ कभी कभी घूमने के लिए। लेकिन अब तू आ गई है ना, अब तेरे साथ जाऊंगी। दीप, मेरे उनको भी बाहर जाना पड़ता है काम के लिए। अच्छा, करते क्या है हमारे दामाजी? वो इंश्योरेंस एजेंट है। अरे वाह, तेरे जीजाजी भी बीमा का ही काम करते हैं। अच्छा, हाँ। कैसा संजोग है ना, हम दोनों बहनें एक ही शहर में थी और हम दोनों के पति भी एक ही काम करते हैं। वैसे कुसुम, एक बात बता, तू खुश तो है ना? दीदी अभी तक तो सब ठीक था, पर जैसे ही उन्हें बच्चे के बारे में पता चला, पता नहीं उससे हमेशा गुस्से में रहते हैं, ठीक से बात भी नहीं करते। ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। तेरे जिया जी का भी यही हाल है। मुझे लगता है ना, ये सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। आप ये सब छोड़ो, आपके हाथ का खाना मैं हमेशा याद करती हूँ। अच्छा, तो खाना मैं तेरे लिए और लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं दीप, बस बहुत है। तू खाना, मैं एक काम करती हूँ, तेरे घर के लिए भी ना थोड़ा सा बांध कर देती हूँ। अरे मैं आती हूँ। अरे दीदी नहीं, रुको ना। अरे दीदी, इसमें खाना अच्छे से बांध दिया है। दीदी, जीजा जी का नाम क्या है? हरविंदर। हरविंदर नाम है ना जीजा जी का? हाँ, लेकिन तुझे कैसे? क्या मनुष्यों की तरह मुंह लटका कर बैठी हो? भूख लगी हमें, हमारे लिए कुछ खाना बनाओगी या नहीं? अरे हम कुछ कह रहे हैं, अब ये रोना धोना बंद करो, हमारे लिए कुछ खाना लेकर आओ। कहीं नौकरी के लिए बात की तुमने? अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? देता है, सब सुनाई देता है। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही। अब इस घर में तुम कदम तब रखना जब या तो तुम कहीं नौकरी कर रही हो या फिर इस बिन बुलाई मुसीबत से छुटकारा पा लिया। मेरे साथ भी ऐसा ही किया। पिछले हफ्ते मैंने दवाई के लिए पैसे मांगे तो मुझ पर हाथ उठा दिया। चाची के जो भी पैसे आते हैं सब इन्हीं के अकाउंट में आते हैं, मुझे कुछ भी नहीं देते। बोलते थे जो कुछ कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। अपने नाम की एक बहुत बड़ी बीमा पॉलिसी दिखाकर मुझसे कहा अगर मुझे कुछ हो जाता है तो बहुत कुछ छोड़ के जा रहा हूँ तुम्हारे लिए। मरने के बाद सब कुछ पत्नी का ही तो होता है, पर अब मुझे ही छोड़ दिया। दीदी कुछ तो करना पड़ेगा, वरना अगर ऐसे ही चलता रहा ना
ना हमारे बच्चे बचेंगे और ना हम। अगर आप मेरा साथ दो तो हमें इस मुसीबत से छुटकारा मिल सकता है। मतलब अब दोनों बहनें एक दूसरे की असलियत जान चुकी थी। गुस्सा भी दुख से पैदा होता है और हरविंदर की असलियत जानकर रजनी और कुसुम दुख और गुस्से दोनों से भर चुकी थी। लेकिन अब सवाल उन दोनों के सामने अपने साथ अपने होने वाले बच्चे का भी था। तो आखिर क्या था इन दोनों का इरादा और हरविंदर के साथ अब क्या होने वाला था जो इस बात से अनजान था कि उसके राज का पर्दाफाश हो चुका है। आपराधिक मानसिकता वाले हरविंदर का घिनौना खेल न जाने कब तक चलता रहता, पर एक दिन वो हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तीनों की जिंदगियां तो उलझ ही चुकी थी और जो खेल उसने शुरू किया था अब उसमें और खतरनाक मोड़ आने थे। जला देते हैं इसको, तड़प तड़प कर मरेगा। हम नहीं कर पाएंगे ये सब, वो कोई चारा भी नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा। पर ये ठीक नहीं है। नहीं नहीं, हमें मत मारो। बोरी में बांध के नदी में फेंक देते हैं इसको। हमें छोड़ दो। पर लाश मिलना भी तो जरूरी है ना। नहीं तुम ये सब सोचना छोड़ो और हमारा साथ दो। नहीं। मारने की क्या जरूरत थी, जैसा भी था तो हमारा पति ही ना। पति? कौन से पति का पास पूरा किया है उसने? दीदी, पहले उसने तुम्हें धोखा दिया और फिर मुझे, और तो और उसको बच्चा भी नहीं चाहिए। आप उसकी कौन सी नियत पर यकीन करती बोलो। दीदी, पहले वो आपको छोड़ देता और फिर मुझे, कम से कम उसके उसके मरने के बाद उसके इंश्योरेंस के पैसों से हमारे बच्चे पल सकेंगे। दीदी, आप 2 दिन के बाद पुलिस स्टेशन जाना और इसके गुम होने की रिपोर्ट लिखवाना। तब तक इसको उसकी बॉडी भी मिल जाएगी और आपको इंश्योरेंस के पैसे भी। बुराई से बुराई खत्म नहीं की जा सकती और अपराधी बनकर अपराध का इलाज नहीं किया जा सकता। बेशक हरविंदर ने जो किया वो गलत था, पर कुसुम ने जो किया वो भी गलत था। गुस्से में आकर हरविंदर को मारने के बजाय कानूनन अपने हक के लिए लड़ना एक सही कदम होता। कुसुम अगर चाहती तो हरविंदर पर धोखाधड़ी और एक साथ 2 शादियां करने यानी बाइगैमी का केस कर सकती थी। पहले से शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करना एक संगीन अपराध है और उसके लिए आईपीसी की धारा 494 के तहत 7 साल तक की सजा हो सकती है। रजनी और कुसुम दोनों कानून की मदद ले सकते थे, पर उन्होंने अपराध का रास्ता चुना और अपनी समझ से उन्होंने फुल प्रूफ प्लान बनाया था, पर दोनों इस सच्चाई से बेखबर थी कि हरविंदर जिंदा था। बड़ा ही अजीब गरीब केस है सर। पहले आदमी को बांधा गया, फिर कई बार चाकू से मारा गया और फिर मरा समझ के जंगल में फेंक गए। और सर, इसका कहना है कि इसे कुछ याद नहीं, ये सब कैसे हुआ? हो सकता है इसने हमलावर को देखा ही ना हो। नहीं सर, सारे निशान चेस्ट और पेट पर हैं। आपने देखा होगा उसके कलाई पर निशान, इसे साफ जाहिर होता है कि पहले से बांधा गया फिर मारने की कोशिश की गई। जहाँ से ये मिला वहाँ से कोई क्लू मिला क्या? नहीं सर, छानबीन तो पूरी हो गई, पर उस रात बारिश होने के कारण शायद वो मिट गए। और हाँ सर, इसके बताए पते पे इसकी वाइफ को खबर दे दी गई है, बस वो कुछ ही देर में आती होगी। ठीक है। कम से कम उसके उसके मरने के बाद उसके इंश्योरेंस के पैसों से हमारे बच्चे पल सकेंगे। दीदी, आप 2 दिन के बाद पुलिस स्टेशन जाना, इसके गुम होने की रिपोर्ट लिखवाना। तब तक पुलिस को उसकी बॉडी भी मिल जाएगी। उसकी लाश की पहचान के बाद तुम्हें डेथ सर्टिफिकेट लेना होगा, जिसके बाद ही हमें बीमा कंपनी से उसके बीमा की रकम मिलेगी। ध्यान रहे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैडम, किस सोच में बैठी हो? सब ये
मेरे पति हरविंदर का फोटो है। दो तीन दिन से घर नहीं आया और कोई पता भी नहीं है। सर ये तो उसी आदमी की फोटो है जिसे दो दिन पहले बुरी हालत में हमारे पास एक आदमी छोड़ गया था। हाँ ये वही आदमी है। तो मैडम ये आपके पति हैं? जी। क्यों? आपको हमारे साथ चलना होगा। सर बासुल केस में एक ब्रेक मिला है। एक औरत है जो हरविंदर की पत्नी होने का दावा कर रही है। इस वक्त वो मेरे सामने ही बैठी है सर। लेकिन हरविंदर की पत्नी तो यहाँ हॉस्पिटल में मेरे साथ मेरे सामने बैठी है। क्या? हरविंदर की पत्नी आपके साथ हॉस्पिटल में? अगर वो वहां है तो ये कौन है? कुसुम? मैडम ये कुसुम कौन है? मुझे यकीन नहीं होता, कुसुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अरे ये कुसुम कौन है मैडम? मेरी छोटी बहन और हरविंदर की दूसरी पत्नी। दूसरी पत्नी? जरा उस कुसुम की डिटेल पता लगाओ। ओके सर। और तुम गाड़ी निकालो। सर। मैडम आपको हमारे साथ चलना होगा, चलिए। इंस्पेक्टर के बताने के बाद कि हरविंदर की पत्नी उसके साथ हॉस्पिटल में है, रजनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसे लग रहा था कि उसके पति के बाद अब उसकी बहन ने भी उसे धोखा दिया है। उसे लग रहा था कि कुसुम ने हरविंदर के मर्डर केस में उसे फंसाने के लिए ये सब खेल रचा है। अपनी किस्मत पर रोती हुई रजनी पुलिस स्टेशन में थी। उसे लग रहा था कि अब उसके पास जेल जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। अरविंदर ये यहाँ क्या कर रही? अरविंदर अब तुम बताओ कि इन दोनों में से तुम्हारी पत्नी कौन है? हम नहीं जानते, बकवास है ये सब। बकवास? बताओ पुलिस को कि तुमने हम दोनों के साथ क्या किया है। तुम कौन हो? मैं चारू, हरविंदर की पत्नी। मैं भी इसकी पत्नी और ये मेरी बहन रजनी, ये भी इसकी पत्नी और तुम भी इसकी पत्नी। मतलब हम तीनों इसकी पत्नी हैं। अरविंदर तुम सब कुछ बताओगे या हम उगलवाएं? खूबसूरत और भोली लड़कियां हमेशा से हमारी कमजोरी रही। हमारी शादी चारू के साथ 7 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन हमने अपनी पहली शादी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। चारू के बाद रजनी और रजनी के बाद कुसुम भी हमारी जाल में बड़ी आसानी से फंस गई। हमें लगा कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, बिना दिक्कत के ये तीनों हमारे जाल में फंसी रहेंगी। लेकिन ये कुसुम, इसके हौसले को कम आंका हमने। इसने तो हमें जान से मारने की कोशिश की। पुलिस की पूछताछ में हरविंदर ने सारा सच कबूल किया। हरविंदर और चारू की शादी 7 साल पहले हो चुकी थी और उनकी एक बेटी भी थी, पर हरविंदर ने अपनी पहली शादी को भी सबसे छुपाया था। चारू के बाद रजनी और रजनी के बाद कुसुम को भी उसने अपने जाल में फंसा लिया था। और जब कुसुम को ये बात पता चली तो उसने हरविंदर को मारने की कोशिश की। अदालत ने हरविंदर को धोखाधड़ी के लिए IPC की धारा 420, एक पत्नी होते हुए दूसरी शादी करने के लिए IPC की धारा 494 और शादी को छुपाने के जुर्म में IPC की धारा 495 के तहत
10 साल की कड़ी सजा सुनाई। पीड़ित होते हुए भी कुसुम अपने अपराध की सजा से नहीं बच सकी। अदालत ने कुसुम को हत्या की कोशिश में दोषी पाते हुए आईपीसी की धारा 307 के तहत 7 साल की सजा सुनाई और रजनी को भी हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के लिए आईपीसी की धारा 120 बी के तहत 2 साल की सजा सुनाई। शादी ब्याह के वक्त अक्सर ऐसी वारदातें सामने आती है, इसलिए शादी से पहले पूरी छानबीन करके ही कोई भी फैसला ले। किसी भी शख्स का अतीत जाने और पूरी तफ्तीश कराए, क्योंकि सावधानी ही हरविंदर जैसे जालसाजों से बचा सकती है। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है। तो सावधान।